नवरात्रि में सीएम हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची को कांटा टोली फ्लाईओवर की सौगात दी। इससे जाम से कराहती रांची को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने रांची के 4 लेन स्मार्ट पथ और धनबाद के 8 लेन पथ का भी उद्घाटन किया। इस खास मौके पर सीएम ने कांके रोड फ्लाईओवर की आधारशिला समेत 31 परियोजनाओं का तोहफा दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कांटा टोली फ्लाईओवर 3 साल के रिकॉर्ड समय में तैयार हो गया है और आम लोगों को समर्पित कर दिया गया है। यातायात की चुनौती बढ़ती है और इसके अलावा सड़कों के जाल के अलावा और भी कई चीजें हैं जो नहीं विस्तृत, हमें उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। कई मायने में अगर हम देखें तो ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगा कि कानून भी हम ही बनाते हैं और कानून को हम ही तोड़ते हैं। ये हमें कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार करने चाहिए कि हमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज चाहे साफ सफाई को लेकर हो, चाहे आवागमन को लेकर के हो, अपने गली मोहल्ले का विषय का बात हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम सब मिलकर के सभी की सहभागिता से चीजें सुधार सकते हैं। आज ये पुल बना है, इस पुल में भी कई लोगों का छोटा बड़ा योगदान रहा है और हम चाहेंगे कि ये पुल हमेशा के लिए आप लोगों के सेवा में रहे। तो इसके लिए जरूरी है कि इसके बीच में लगे खंभे, स्ट्रीट लाइटें, उनमें कई जगह पर चोरी चमारी होने लगती हैं, लोग बेवजह जगहों पर इंक्रोच करने लगते हैं, बेवजह सरकार की संपत्तियों को भी नुकसान करने लगते हैं। सरकार की संपत्ति विशुद्ध रूप से जनता की संपत्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको इस कदर कर दें कि फिर वो किसी काम के लायक ना रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।